हेलो एवरीवन, दिस साइड मनीष वर्मा, फाउंडर ऑफ V2 एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेईई मेन 2024 का सिलेबस के बारे में। देखो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद सिलेबस में चेंज हुआ था, आपको पता है, ठीक है। उसके बाद में कई सारे टॉपिक्स को हटा दिए गए थे। कोई सा भी एग्जामिनेशन का आप तैयारी करते हैं, सबसे पहले आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है उसका सिलेबस। क्या पढ़ना है ये तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन उसके साथ में क्या नहीं पढ़ना है वो सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी का टाइम काफी ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत कम टाइम बचा हुआ है। और ऐसे में आप अगर ऐसे चैप्टर पे फोकस करेंगे जहां से क्वेश्चन आना ही नहीं है, तो आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। तो क्यों ना उसी टाइम को हम ऐसे जगह पे लगाएं जहां से क्वेश्चंस आएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे हम ये भी समझेंगे विच टॉपिक्स टू स्किप, मतलब क्या आपको पढ़ना है वो तो हम बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन आपको क्या नहीं पढ़ना है वो भी बात आज के इस वीडियो में करेंगे। सो वीडियो को पूरी ध्यान से देखिएगा। लेकिन वैसे बच्चे जो चैनल पर नए होंगे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। जेईई मेन के रिगार्डिंग हर एक इंफॉर्मेशन आपको यहां से प्रोवाइड किया जाता है। इवन आपके एप्लीकेशन फॉर्म आने से लेकर के जब तक आपके एडमिशन नहीं हो जाते, इवन काउंसलिंग सपोर्ट भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो जल्दी से सभी लोग सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, नीचे बटन आपको दिख रहा होगा। ये चैनल आपके जेईई मेन एडवांस की कंप्लीट जर्नी में, इवन एडमिशन तक हम लोग कंप्लीट सपोर्ट करेंगे, ठीक है। अभी सब्सक्राइब करके आप लोग जुड़ जाना। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे केमिस्ट्री से, ठीक है। ये है फिजिक्स, लेकिन उससे पहले हम बात करना चाहेंगे आप सभी के सामने केमिस्ट्री के बारे में, कि केमिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, क्योंकि सबसे जो इजी पेपर आता है वो केमिस्ट्री का ही होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तीन सब्जेक्ट होते हैं आपके, जिसमें केमिस्ट्री आपके थोड़े इजी टाइप के होते हैं। इसलिए इजी टाइप के बोला जाता है इनको, क्योंकि NCERT बेस्ड होते हैं ज्यादातर क्वेश्चन, जबकि फिजिक्स का क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट होता है। उसके बाद में सबसे जो हार्ड पूछा जाता है, कैलकुलेटिव पूछा जाता है, वो मैथमेटिक्स के अंदर पूछा जाता है, जहां पे थोड़ा सा पेपर का लेवल थोड़ा ऊपर होता है। पेपर के लेवल ऊपर का मतलब ये हुआ कि भाई टाइम टेकन होता है, कम टाइम होता है, और उसमें क्वेश्चन आपको ज्यादा करने होते हैं और थोड़े से जटिल क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे। तो आप ये पैटर्न समझ के चलना, सबसे इजी आपके केमिस्ट्री, फिजिक्स मॉडरेट और मैथमेटिक्स थोड़े हार्ड लेवल के क्वेश्चन होते हैं हर एक शिफ्ट में, क्योंकि मैंने पिछले 3-4 सालों में बच्चों के पेपर्स को देखा, साथ ही पेपर को रिव्यू करने के लिए सेंटर पर भी गए, तो यही चीजें, यही प्रतिक्रियाएं देखने को मिली, इसी तरीके से चलती है, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके केमिस्ट्री के बारे में। तो केमिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर आता है मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट से कोई भी टॉपिक को हटाया नहीं गया, इसलिए आप इसको आपको पूरा करना है, ठीक है। उसके बाद रेडॉक्स रिएक्शन को भी आपको कंप्लीट फुल करके जाना है, इसमें कुछ भी छोड़ना नहीं है। आगे अगर हम बात करें एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, तो थॉमसन एंड रदरफोर्ड जो मॉडल है उसको आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा जो टॉपिक्स है उसको आप पूरा करके जाइएगा, ठीक है। अगला आता है केमिकल बॉन्डिंग, इसमें कुछ भी स्किप नहीं है, तो पूरा करना है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को पूरा करना है, थर्मोडायनेमिक्स को पूरा करना है, केमिकल इक्विलिब्रियम को पूरा करके जाना है आपको, आयोनिक इक्विलिब्रियम को पूरा करके जाना है आपको। उसके बाद में सॉल्यूशन भी आपको पूरा करके जाना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी पूरा करके जाना है, केमिकल काइनेटिक्स भी पूरा करके जाना है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को भी पूरा करके जाना है। लेकिन अगला जो पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक में से रिएक्शंस के पार्ट को आप स्किप कर सकते हो, जैसे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस ऑन पीरियोडिक फिजिकल ट्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद में जो 14th नंबर पे आता है बी ब्लॉक, बी ब्लॉक में भी आपको कुछ स्किप नहीं करना है, पूरा करके जाना है। स्किप जो आपको करना है वो मैं आपको बता देता हूं, यहां से आप देख लेना, ये सारे चैप्टर को आपको पूरा करना करके जाना है। लेकिन एस ब्लॉक भाई कंप्लीटली फुल्ली चैप्टर को आपको स्किप करना है, ये पूरा चैप्टर ही स्किप कर दिया गया। कौन सा? एस ब्लॉक, हाइड्रोजन, पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। ये 4 चैप्टर को कंप्लीटली हटा दिया गया है, आप इन 4 चैप्टर को स्किप कर सकते हैं। पिछले बार 2024 के जो सिलेबस थे ना, उसके अंदर ये सारे चैप्टर्स को स्किप किया गया था। लेकिन देखो, केमिस्ट्री में जो स्किप किया गया था उससे तो बहुत कम ऐसे क्वेश्चन थे जो देखने को मिला। इन्होंने बोला कि भाई ये चैप्टर स्किप है, तो इससे क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। लेकिन फिजिक्स और मैथमेटिक्स के अंदर बताया तो गया था कि चैप्टर स्किप्ड है, लेकिन उससे भी क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक है। किसमें? फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में। चैप्टर स्किप होने के बाद भी वहां से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। हाँ, ऐसा हुआ है कि फुल्ली नहीं, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली उस चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिला है, लेकिन हाँ, उसका यूज कहीं ना कहीं करके क्वेश्चन को लिंक करके पूछा गया था। तो इन बातों का भी ध्यान रखना है। यहाँ पे जो मैंने आपको बोला उसको आप फुल्ली स्किप कर सकते हो, लेकिन कई सारे चैप्टर ऐसे हैं जो NTA ने सिलेबस जारी करके ये कहा था कि ये सभी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन वहां से क्वेश्चन आए थे। ऐसे कौन कौन से चैप्टर है? तो ऐसे आपको फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो हम वो भी बात करेंगे कौन से चैप्टर को स्किप करने के बाद भी लेकिन क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब हम ये सारी बात करते हैं किसके बारे में? फिजिक्स और मैथमेटिक्स के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी बच्चों को बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा, दैट इज कॉलेज विद्या। कॉलेज विद्या एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग ले सकते हैं। चाहे तो आप UG कोर्स करना चाहते हैं, PG कोर्स करना चाहते हैं, या फिर किसी भी प्रकार की कोर्स करना चाहते हैं, सारे ही इंफॉर्मेशन यहां से आपको मिल जाएगा। जैसे आफ्टर 12th आप सभी बच्चे होंगे तो UG कोर्स करना चाहते होंगे, जैसे BTech करना चाहते होंगे, कई सारे बच्चे BCOM, BBA, BCA या फिर कोई सा भी कोर्स करना चाहते
चाहते हैं, जैसे अगर मान के चले आप बीटेक करना चाहते हैं तो बीटेक पे क्लिक कर सकते हैं यहाँ पे। तो आपको जो भी कोर्स करना होगा उस कोर्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपनी डिटेल डाल करके जैसे ही फाइंड बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन 2 मिनट पर क्लिक करेंगे, आपके सामने आपके लिए जो बेस्ट यूनिवर्सिटी होगा, बेस्ट कॉलेज होगा, उसका लिस्ट आपको मिल जाएगा। आप किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के लिए सोच सकते हैं। उसके बाद में उसके फी एवं उसके अलावा कॉलेजेस का क्या कुछ स्पेसिफिकेशन है, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात, अगर आप कॉलेज विद्या के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो आपको 10,000 तक का सब्सिडी मिलेगा। उसके बाद में आप जो कोर्स करेंगे उसे आप तोड़ करके ईएमआई पर दे सकते हो, नो कॉस्ट ईएमआई, वो भी जिसकी स्टार्टिंग 4,999 से ही हो जाता है। तो ये आपके लिए बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी होगा। तो इस प्लेटफॉर्म पर आकर आप इंडिया टॉप कॉलेजेस को सर्च कर सकते हैं, 100+ जो ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज है उसमें कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा आपके लिए बेस्ट होगा। सबसे बड़ी बात, फ्री 1-to-1 ऑडियो एंड वीडियो काउंसलिंग भी आपको यहां पे मिलता है और एक एक्टिव कम्युनिटी मिलता है ऑनलाइन लर्नर्स का। अब तक इन्होंने 1,00,000 से ज्यादा बच्चों का एडमिशन करवा चुके हैं, 1,00,000 से ज्यादा बच्चों का। तो आप भी जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाकर के आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। और देखो, अगर आप कोई सा भी कोर्स करते हो उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्लेसमेंट, तो प्लेसमेंट के लिए ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, प्लेसमेंट सपोर्ट सर्विसेज एंड ऑनलाइन करियर बूस्टर प्रोग्राम, जो कि 6999 का है, जिसमें आपको कंप्लीट ऑनलाइन सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है आपके करियर बूस्टर को लेकर और प्लेसमेंट को लेकर, कि कैसे आपका प्लेसमेंट हो पाएगा और उसके लिए आपको तैयार किया जाता है। लेकिन अगर आप इनके थ्रू एडमिशन लेंगे तो ये वाला सपोर्ट आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा, 1 रुपया भी पैसा नहीं लगेगा, 0 रुपया में उसके साथ में ही ये सपोर्ट भी आपको मिल जाएगा अगर आप कॉलेज विद्या के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो। तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ सभी बच्चे अभी चेकआउट करो, किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहां से आपका एडमिशन हो जाएगा। बाकी यहां पे एक AI का भी ऑप्शन मिल जाता है, आपको किसी भी कॉलेज को लेकर कंपेयर करना है तो आप अपने लिए जो बेस्ट मैचेज हैं, जो बेस्ट यूनिवर्सिटी कॉलेजेस है, वो यहां से आकर के भी देख सकते हैं। चाहे आपको कोई सा भी कोर्स करना हो, UGPG सारा फैसिलिटी अवेलेबल है, जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाकर के आप लोग चेकआउट कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे मिल जाएगा। अब अगला चलते हैं फिजिक्स पर, ठीक है। तो अगर हम फिजिक्स को लेकर बात करें, अभी हमने केमिस्ट्री को लेकर बात किया था, तो फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो सबसे पहला चैप्टर आता है, यूनिट्स एंड डायमेंशंस, इसमें से कुछ भी स्किप नहीं करना है, कंप्लीट चैप्टर आपको करके जाना है। और कहां तक, यहां तक के चैप्टर्स को, यानी 10 तक के चैप्टर्स को कुछ भी स्किप नहीं करना है, रोटेशनल मोशन तक आपको कंप्लीट करके जाना है। उसके पहले कौन कौन सा हो गया, ये हो गया सेंटर ऑफ मास, हो गया सर्कुलर मोशन, हो गया वर्क पावर एनर्जी, हो गया NLM एंड फ्रिक्शन, हो गया काइनेटिक्स, 1D हो गया, 2D हो गया, दोनों ये आपको कंप्लीट करके जाना है। आप चैप्टर यहां से देख लीजिएगा वीडियो को रोक करके। ग्रेविटेशन में जो आपके जियोस्टेशनरी जो सैटेलाइट है, ये टॉपिक को रिमूव किया गया था, बोला गया था कि टॉपिक को हम रिमूव कर दिए हैं, लेकिन इससे भी क्वेश्चन देखने को मिला है, इससे लिंक करके क्वेश्चन 2024 में आया था। सो आप 2025 में इसे भी करके जाइए, ठीक है, मेरा ऐसा मानना है कि आप इसे करके जाएं। सॉलिड्स को लेकर अगर हम बात करें तो इसमें से कुछ भी रिमूव नहीं किया गया, इसलिए आपको कंप्लीट करके जाना पड़ेगा। फ्लूइड्स का बात करें तो जो रेनॉल्ड्स नंबर है उसको भी आपको करके जाना है, हालांकि ये टॉपिक रिमूव किया गया था लेकिन ये भी आपको करके जाना है। SHM में जो डैम्प्ड ऑक्सीलेशन है ना, इसको आप लोग स्किप कर सकते हो, उसके अलावा जो बचा हुआ टॉपिक है उसको आप कर सकते हो। वेव्स को लेकर अगर हम बात करें तो डॉपलर इफेक्ट जो है, बोला गया था कि डॉपलर इफेक्ट से क्वेश्चन नहीं आएगा, इसको रिमूव किया गया था, लेकिन 2024 में इससे क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए डॉपलर इफेक्ट को भी आपको करके जाना है। NTA तो कह देता है कि भाई हम क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, लेकिन कई सारे क्वेश्चन ऐसा था जो डायरेक्टली ना पूछ करके लिंक करके पूछा गया था। अगर आप कोर्ट में भी जाओगे ना तो किसी ना किसी तरीके से घुमा फिरा करके आपको ये सिद्ध कर दिया जाएगा ये उस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम थर्मल फिजिक्स के बारे में बात करें तो न्यूटन्स लॉ है जो, उसको स्किप करके बाकी जो है आप कर सकते हो, ठीक है। आगे अगर हम बात करें 17 से 25 तक लेकर के, आप टॉपिक पहले देख लीजिए, ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हैं, इसमें से क्या क्या स्किप किया गया था वो सारा लिखा गया यहाँ पे, ठीक है, जिसमें से कुछ भी स्किप नहीं किया गया था तो वो नन रहेगा, ठीक है। और उसके बाद जिसमें लिखा हुआ है स्किप, तो जो स्किप किया गया था उसको आपको स्किप कर लेना, उसके अलावा जो बचा हुआ है कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग जो टॉपिक है उसको स्किप ही करना है, लेकिन एक टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, उसमें से पोटेंशियोमीटर और कलर कोड ऑफ रेसिस्टर, इससे बोला गया था कि इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन पोटेंशियोमीटर से 2024 में क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, इसलिए आपको पोटेंशियोमीटर तो भाई करके जाना है। बाकी सारी चीजें बहुत इजी है, आप वीडियो को रोक करके देख लीजिएगा क्या कुछ छोड़ना और क्या करके जाना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे ये टॉपिक देख लीजिए, ये जो है रिमूव किया गया था और इसमें से आपको जो स्किप करना है यहाँ से स्किप कर लीजिएगा, जो कंप्लीट करना है वो कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। ये टॉपिक है, वीडियो रोक करके आप लोग देख लीजिएगा। अब हम सीधा चलते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, मैथमेटिक्स में सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शंस, ये 2 चैप्टर है। उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री, इससे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से कुछ भी नहीं हटाया गया है, ठीक है, तो ये चैप्टर तो आपको कंप्लीट करके ही जाना है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो है कंप्लीट चैप्टर को हटाया गया है, इसलिए आप उसके सिर्फ फॉर्मूले करके जाएं और ग्राफिकल जो आपके सॉल्यूशन है वो करके जाइएगा, उससे 2024 के अंदर क्वेश्चन आए थे, जो आपके ग्राफ पढ़ने हैं और जो फॉर्मूलेज हैं उसको आप लोग कर लीजिएगा, जिससे कि अगर थोड़े से क्वेश्चन घुमा करके भी उसका यूज कर दे
तो आपको आए, मतलब समझ रहे हो ना, हाइट एंड डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो कंप्लीट चैप्टर को रिमूव कर दिया गया था, इसलिए आप इसको स्किप कर दीजिएगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो आपके क्लास 12th के अंदर पढ़ना है, उसमें प्रॉपर्टीज वाला जो पार्ट है उसको रिमूव किया गया था, ठीक है, लेकिन फिर भी 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए आपको इसको करके जाना है। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट की अगर हम बात करें तो मैट्रिसेस से कुछ भी नहीं हटाया गया, इसलिए आपको कंप्लीट करके जाना है, लेकिन डिटरमिनेंट से आपके प्रॉपर्टीज, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, इसको आप लोग स्किप कर लीजिएगा, बाकी आपको कंप्लीट करके जाना है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ भी रिमूव नहीं किया गया, इसलिए आपको कंप्लीट करके जाना है। सीक्वेंस एंड सीरीज में AZP, SN, SN2, SN3 इसको रिमूव किया गया था, लेकिन फिर भी आपको करके जाना है, 2024 में पूछा गया था। बायनोमियल थ्योरम के अगर बारे में हम बात करें तो प्रॉपर्टीज ऑफ बायनोमियल कोएफिशिएंट को रिमूव किया गया था, लेकिन फिर भी आपको करके जाना है, 2024 में पूछा गया था। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को आपको कंप्लीट करके जाना है, क्योंकि ये रिमूव नहीं किया गया था। आगे प्रोबेबिलिटी के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ से बर्नौली ट्रायल जो है और बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है, इसको आपको करके जाना है। रिमूव करने के बाद भी 2024 में ये क्वेश्चन आए थे, इसलिए इससे क्वेश्चन आए थे, इसलिए अब इसको आपको करके जाना है। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में यदि हम बात करें तो आप ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी और स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको आप स्किप करके बाकी जो रेस्ट है उसको आप कर सकते हैं, ठीक है। आगे आता है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में ये जो टॉपिक यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसको स्किप करके आप पूरा कर सकते हैं, ठीक है। सर्कल के बारे में बात करें तो बोला तो गया था कि भाई ये सारे टॉपिक्स हटाए गए हैं, लेकिन इसको भी आपको करके जाना है, क्योंकि 2024 में पूछा गया था। अगला बात करें कॉनिक सेक्शन के बारे में, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और कंडीशंस एंड वेरिएशंस के बारे में अगर हम बात करें तो इसको स्किप किया गया, उसके अलावा आप जो है कर सकते हैं। लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी से कुछ भी नहीं रिमूव किया गया, इसलिए आपको इसको कंप्लीट करके जाना है, ठीक है। ये सारे आप नोट भी कर सकते हो कहीं पे कि क्या आपको छोड़ना है, क्या करके जाना है, जिससे कि आपको ज्यादा फोकस्ड करके आप पढ़ाई को कर पाओगे। डिफरेंशिएशन के बारे में बात करें तो ये भी रिमूव नहीं किया गया है, कंप्लीट आपको करके जाना है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के बारे में अगर हम बात करें तो रोल्स थ्योरम जो आपके हैं, LMVT एंड टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स जो आपके हैं, उसको स्किप करके बाकी जो बचे हुए उसको आप कर सकते हैं, ठीक है। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में कुछ भी रिमूव नहीं किया गया है, तो आपको कंप्लीट करके जाना है। डिफिनिट इंटीग्रेशन के अंदर एक टॉपिक रिमूव किया गया, जिसको आपको कर लेना है, क्योंकि 2025 में पूछा जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये 2024 में पूछा गया था, तो 2025 में भी हो सकता है कि पूछा जाए। एरिया अंडर कर्व्स के बारे में बात करें, कुछ भी रिमूव नहीं किया गया है, पूरा पूरा आपको करके जाना है। डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ DE जो आपके हैं, इसको स्किप करके पूरा करके जाइए। उसके बाद में वेक्टर 3D, उसमें से ये दो टॉपिक जो है स्किप कर दीजिएगा, बाकी आप रेस्ट जो है पूरा कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स को आप लोग पूरा करके जाइएगा, क्योंकि ये आपके रिमूव नहीं किए गए इसमें से कुछ भी टॉपिक, तो पूरे पूछे जा सकते हैं। आगे अगर हम बात करें तो मैथमेटिकल रीजनिंग के बारे में, तो इसको आपको कंप्लीट चैप्टर रिमूव कर दी गई है, इसलिए आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो ये सारे जो टॉपिक्स थे 2023 तक पूछे गए थे, लेकिन 2024 में स्किप किया गया था, लेकिन स्किप करने के बाद भी कई सारे चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मैंने आपको बता दिया कि कौन से चैप्टर को स्किप करने के बाद भी क्वेश्चन पूछे गए थे, किस चैप्टर को फुल्ली स्किप किया गया था, जिसको आपको बिल्कुल ही छोड़ देना है, वो सारे टॉपिक्स के बारे में, सारे चैप्टर्स के बारे में मैंने आपके सामने डिस्कशन करा है। बाकी अगर कोई डाउट बचता है तो कमेंट में आप लोग कमेंट करिएगा, साथ ही कॉलेज विद्या का लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट के सबसे टॉप पर डाल दिया हूँ, जाकर के आप लोग चेकआउट जरूर करिएगा। और जो बच्चे नए हैं भाई, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ठीक है। ये चैनल आपके इस कंप्लीट जर्नी में कंप्लीट सपोर्ट करेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।